गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ हमारा सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी एंड हमारा पार्ट है लेसन नंबर 5, सूरज और बादल। ओके, तो हमने क्या किया था यस्टरडे, हमने हमारे इस लेसन के बारे में क्या क्या रीडिंग की थी, है ना। इसे हमने पढ़ा भी था, समझा भी था, मैंने आपको समझाया भी था कि क्या क्या हुआ, किस दौरान किन किस में लड़ाई हुई। बादल और सूरज के बीच में लड़ाई होने लगी, बादल अपने आप को बड़ा बताने लगा, उसी प्रकार सूरज ने भी अपने आप को बड़ा बताया। तो क्या है सूरज आने की विशेषता, सूरज ने अपने आप के बारे में क्या क्या कहा, आप देखा होगा आपने जब भी सूरज उगता है तो क्या होती है, सबसे सुबह हमारी शुरुआत होती है सुबह की, और उसी के साथ हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती हैं, हमारे काम शुरू हो जाते हैं, हमारी रोज की रूटीन में हमें जो जो काम करना है वो सारे हम लोग करते हैं। तो क्या होता है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं सुबह होने के साथ साथ, बड़े लोग घर ऑफिस में काम करते हैं, दोपहर होते ही क्या हो जाती हैं, धूप हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, और जिस प्रकार गर्मी बढ़ने लगती है उसी प्रकार क्या होता है, गर्मी की हमें महसूस भी होने लगती है, गर्माहट भी होने लगती है। और जब सर्दी आती है तो क्या करते हैं लगभग लोग, सारी लोग अपने अपने स्वेटर ब्लैंकेट्स को लेकर धूप में बैठ जाते हैं या फिर घर में दुबक के रहते हैं। देखा है ना आपने, जब भी आपको ठंडी के समय में क्या लगता है कि धूप निकले और हम बाहर जाके बैठे, उसी धूप को क्या करें हम अपने अंदर सेके, हमें थोड़ी सी गर्माहट मिले हमारे शरीर को, है ना। और जब ज़्यादा धूप होने लगती है तो उसी धूप से छिपने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे घर के अंदर आके छिप जाते हैं, और हमारे घर के अंदर ही पंखे के नीचे हवा में हम क्या करते, आराम करते हैं। तो ये क्या है, सूरज आने के और डिसएडवांटेजेस भी हैं और ना आने के एडवांटेजेस भी हैं, मतलब लाभ और फ़ायदा दोनों है। सूरज चाहिए भी हमें और नहीं भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए कि धूप ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा होने लगती है, और ठंडी के समय क्या होती है कि नहीं, हमें धूप की किरणें भी ज़रूरी होती हैं, हमारे शरीर में जो भी विकार हैं इन धूप की किरणों से वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उत्साह रहता है शरीर में, है ना, हमारे कार्य करने के लिए, हमारे काम करने के लिए। उसी प्रकार जब बादल आते हैं तो क्या होता है, है ना, तो इसी सब कामों को देखकर सूरज ने अपने आप को क्या बताया कि मैं बड़ा हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ, सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, है ना। तो यह इसका करते हुए सूरज को भी क्या हो जाता है, अपने आप पर घमंड आ जाता है। उसी प्रकार जब बादल की बारी आती है तो बादल क्या कहता है अपने आप में कि मैं भी बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है, है ना, अपने आप में समझता है ना वो भी, सूरज से क्या करता है, लड़ाई कर बैठता है। तो आसमान काला हो जाता है, देखा होगा आपने जब बादल आने लगते हैं तो क्या होता है, आसमान का रंग काला पड़ जाता है, और बहुत सारी तेज हवाएं चलती हैं, काफ़ी आंधी आती, तूफान आता है ना, बारिश होने लगती है, बिजली चमकने लगती है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं बादल आने पे लगती हैं। तो लोग क्या करते हैं इस वजह से भी घरों में छिप जाते हैं, जब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती हैं, तो क्या होता है लोग अपने घर में छिप जाते हैं, कुछ भीगने को मज़ा लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा, खासकर बच्चों को, आप लोगों को, कि जब भी बारिश आती है तो आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं, हमें भी बाहर जाना है और हमें सारी बारिश में भीगना है, और मम्मी क्या करती हैं फिर बच्चों को चिल्लाती हैं कि नहीं, बारिश में भीगना नहीं, क्या होता है भीगने से सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो यह भी क्या होता है बारिश आने से, यह भी नुकसान हमें हो सकता है और काफ़ी लोगों को होता भी है, है ना। और बारिश आने पे क्या होता है, पापा मम्मी को ऑर्डर क्या देते हैं कि आज तो हमें पकोड़े खाने का मन कर रहा है, गरम गरम चीज़ें खाने का मन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब बारिश आती है। और काफ़ी सारे बच्चों को देखा है आपने, छोटी छोटी सी नाव बनाते हैं, देखा है आपने, नाव बनाते हैं ना, कागज की नाव, और पानी में छोड़ देते हैं, पानी में खेलते हैं, ये भी क्या होता है, एक जरिया है इंजॉय करने का, बच्चों का मन लुभाने का। तो ये सारे काम कौन करता है,
बारिश करती है, बादल करते हैं, है ना। तो इसी चीज़ों को देखते हुए बादल ने भी क्या कहा सूरज से कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरा भी एक अपनी क्या है इम्पोर्टेंट से एक महत्वपूर्णता है। तो ये क्या है इन दोनों में, इसी चीज़ को लेके काफ़ी सारी बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, पर क्या हुआ अंत में, धरती माता ने आकर उनसे क्या कहा कि नहीं, कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, दोनों एक समान है, दोनों की अपने अपनी एक कार्य है, अपने अपने एक क्या है कार्य क्षमता है कि दोनों एक बराबर के है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब धरती माता उनसे कहती हैं तो वह उसे सुनकर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनके बीच में कुछ हुआ ही ना हो और दोनों आपस में मिलजुल कर गले लग रहे हो। तो ये चीज़ें हमने कहाँ देखी थी, हमारे पाठ में देखी थी, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, शब्द सागर क्या है। शब्द सागर में हमारा पहला अक्षर है, पहला शब्द है समुद्र। देखा है आप लोगों ने समुद्र, काफी सारे जब लोग बाहर घूमने जाते तो देखने मिलता है समुद्र, नहीं देखा होगा तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। समुद्र में मीन्स सागर, जहाँ काफ़ी सारा पानी का संग्रह होता है और क्या कहलाता है, वह समुद्र सागर कहलाता है। सिर पर चढ़ना क्या होता है, सिर पर चढ़ना दबाव बनाना, मतलब एक दूसरे के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपना, है ना। सिर पर चढ़ना, बात न मानना, बात क्या करना, चिढ़ना, ढलना, छिप जाना, उतर जाना, क्या होता है ढलना, मतलब देखा होगा जब शाम हो जाती है तो सूरज ढल जाता है, छिप जाता है आकाश में। प्रणाम, नमस्कार करना, देखा आपने प्रणाम करना, मतलब हम क्या करते सबसे पहले जब सुबह होती है, काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा, आप लोगों को भी ये चीज़ करनी चाहिए, जब सूर्य उदय होता है तो सुबह की पहली किरण को सूर्य नमस्कार करते हैं। तो वो चीज़ें आपको भी सीखना चाहिए अपने मम्मी से, अपने पापा से, दादी दादा से, कि सुबह उठ के सबसे प्रथम सर्वप्रथम क्या करना चाहिए आपको, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। प्रसन्न, खुश क्या होता है, देखा होगा आपने जब भी आपकी कोई पसंदीदा चीज़ आपको मिल जाती है तो आप सारे सबसे ज़्यादा क्या हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, मतलब खुश हो जाते हो। तो ये क्या था हमारा, ये थे हमारे शब्द सागर, ठीक है। अब है हमारा पेज नंबर 63, आओ करें, किसने बोला, मेरी गर्मी से डर कर लोग घरों में छिप जाते हैं, किसने कहा है ये, सूरज ने, है ना। आगे, यह मत भूलो कि मेरे छा जाने पर तुम कहीं नहीं दिखाई पड़ते, किसने कहा ये, बादल ने सूरज से कहा। तुम मेरी ही गर्मी से बने हो, किसने कहा ये, सूरज ने। तुम दोनों ही बड़े हो, तुम दोनों के बिना भला कौन रह सकता है, है ना। ये बात किसने कही, धरती माता ने। आगे है, उचित विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए, मैंने आपको इसमें टिक करके दिया है, आपको आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, बादल और सूरज क्यों लड़ रहे थे, तो मैंने इसका उत्तर आपको सेंड किया है व्हाट्सएप पे, आप आपकी कॉपी में उसे प्रॉपर लिखिएगा, ओके। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे इसके आगे का, और प्रैक्टिस बुक में जो भी दिया होगा वो भी मैं आपको सेंड करूंगी। और आपको मैंने इसके पहले भी कहा था कि एक पेज हिंदी की लेटर इसका राइटिंग वर्क आपको घर में करना है, ये आपका डेली होमवर्क भी होगा एंड आपकी इससे क्या होगी, हैंडराइटिंग इम्प्रूव भी होगी, ओके। नाउ आपको एक बार फिर से क्या करना है, चैप्टर को रीडिंग भी करनी है, ओके। चलो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।